हाय गाइस, व्हाट्स अप। माय नेम इज अनिल और व्यू जेएस की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम लोग इवेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक बटन की क्लिक के ऊपर एक बटन की क्लिक हो गई या फिर कुछ और इवेंट हो गए, जैसे माउस ओवर, की अप, की डाउन, ये कैसे यूज़ कर सकते हैं। मेनली हम फोकस करेंगे क्लिक इवेंट के ऊपर, बाद में एक दो इवेंट्स और भी हम देख लेंगे। उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई भी इवेंट आप कैसे यूज़ कर सकते हो, पैरामीटर वगैरह कैसे पास कर सकते हो। जैसे कुछ चार पाँच छः हमारे पास पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कोई भी हमें इवेंट यूज़ करने से पहले मेथड एक प्रॉपर्टी होती है, वो डिफाइन करेंगे। ठीक है, मेथड प्रॉपर्टी क्यों डिफाइन करते हैं वो मैं बताऊंगा। बाद में हमारा जो फंक्शन हमें कॉल करना है वो फंक्शन डिफाइन करेंगे, एक बटन बनाएंगे और उसके ऊपर क्लिक इवेंट लगाएंगे, और नॉर्मल पहले क्लिक इवेंट यूज़ करके देखेंगे, बाद में उसके अंदर देखेंगे कि हम पैरामीटर्स वगैरह कैसे पास कर सकते हैं, और उसके अलावा हम एक दो इवेंट्स और जैसे माउस ओवर्स वगैरह और ये भी यूज़ करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड प्रॉपर्टी क्या करती है, जितने भी आपके मेथड्स बनने वाले हैं वो सारे सारे मेथड प्रॉपर्टी के अंदर डिफाइन होते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक होम डॉट व्यू करके एक कंपोनेंट बनाया था। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो मैंने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे पहले मेथड प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करते हैं, देखो मेथड प्रॉपर्टीज नॉर्मली इस तरीके से डिफाइन करते हैं, मेथड्स, और बाद में इस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इसका। ठीक है, और राइट, उसके अंदर हमारे कोई भी फंक्शन जो आपको डिफाइन करना हो, लेट से मैं इसके ऊपर कोई भी करता हूँ, लेट से मैं फंक्शन का नाम रखता हूँ हेलो। ठीक है, मैं यहाँ पे हेलो नॉर्मल इस तरीके से डिफाइन करूँगा और बाद में इसको यहाँ पे कुछ भी कंसोल करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग या फिर वॉन, और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो कंसोल कॉल्ड। राइट, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, बट मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, क्यों? क्योंकि मुझे बटन भी तो डिफाइन करना पड़ेगा अभी तक। राइट, तो मैं यहाँ पे एक बटन डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, मैं ये डाटा हटा देता हूँ यहाँ से, मुझे इनकी ज़रूरत है नहीं एक्चुअली। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ अभी के लिए, फॉर अ मोमेंट मैं ये दोनों को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हमारे पास ज़्यादा प्रश्न आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे मैं एक बटन भी डिफाइन कर देता हूँ और इस बटन को मैं क्लोज भी कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे लिखता हूँ कॉल हेलो फंक्शन। परफेक्ट, और अब हम यहाँ पे आते हैं, हमारे पास एक फंक्शन बन गया है। राइट, तो फंक्शन भी है लेकिन अभी इसको हमने कॉल नहीं करा हुआ, तो हमें कॉल कैसे करना होता है, जब भी आप कोई भी इवेंट कॉल करते हो व्यू जेएस के अंदर, तो आपको यूज़ करना पड़ता है वी माइनस ऑन। ठीक है, या तो आप हाइफन भी बोल सकते हो इसको, या तो माइनस भी बोल सकते हो, मैं माइनस बोलना प्रेफर करता हूँ, नहीं तो मैं हाइफन और उसमें कन्फ्यूज हो जाता हूँ, हाइफन और अंडरस्कोर में। राइट, उसके बाद में क्लिक, और क्लिक के बाद में आपका फंक्शन, मैं आप लिखता हूँ हेलो दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास कंसोल आ गया, हेलो फ्रॉम कंसोल 1 2 3, जितने मर्जी कॉल कर ले हम। ठीक है, ये एक नॉर्मल कंसोल हो गया, चाहो तो आप इस पर अलर्ट भी करवा सकते हो, तो इट्स टोटली योर चॉइस, इस पर अलर्ट भी करवा देता हूँ, और अलर्ट करवाता हूँ, और इसके ऊपर मैं कुछ पैरामीटर पास करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से मैं कुछ डेटा पास करता हूँ। तो मैं इस फंक्शन को नॉर्मली ऐसे भी कॉल कर सकता हूँ, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो कॉल। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे ले सकता हूँ एज एन पैरामीटर ए, और डेटा कुछ भी जो भी मुझे ठीक लगे, और इसको क्या बोलूँ मैं, अच्छा नेवर यूज्ड, और मैं यहाँ पे डेटा को यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, तो मुझे अलर्ट मिल गया हेलो का। ठीक है, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और चाहो तो आप यहाँ पे जैसे कि मैंने क्लिक डिफाइन करा है, मैं यहाँ पे कोई और इवेंट भी डिफाइन कर सकता हूँ, माउस ओवर। जब जैसे ही माउस इस बटन के ऊपर आएगा तो ये कॉल होगा, अब मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ तो ये कॉल हो गया। ठीक है, और फिर से क्लिक नहीं करूँगा, नॉर्मल लेके आऊँगा तो कॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं तेज़ी से लेके जाऊँगा तो कॉल नहीं होता, बट अगर काफ़ी बार लेके आऊँगा तो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ये एक सिंपल तरीके कि हम इवेंट वगैरह कैसे कॉल कर सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पे नॉर्मल कोई इनपुट बॉक्स होता तो उसके ऊपर भी आप इजीली कॉल कर सकते थे, जैसे की डाउन, की अप वगैरह इवेंट है वो भी उसके ऊपर यूज़ कर सकते थे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आने वाली वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम इफ एल्स कैसे बना सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।